हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू SSP। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम का फियर आना तो बनता है बॉस, और इस फियर को, इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके बाबा SSP फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सी बात है जो मज़ेदार भी है और उसे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने थंबनेल तो वीडियो का देखा ही, जिसके अंदर मैंने लिखा है एग्ज़ाम के बाद की मस्ती को बनाए अपना स्ट्रेंथ। यस बच्चा पार्टी, एग्ज़ाम के बाद की मस्ती। आप लोगों की तरह मैं भी जब अपने स्कूल डेज में था और बोर्ड एग्जामिनेशन थी, महीने पहले से ही या फिर कुछ हफ्ते पहले से ही ना एक प्रेशर अजीब सा क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस अजीब सा क्रिएट हो जाता है कि यार बोर्ड का एग्जामिनेशन है, क्या करें, पढ़ना भी है। और उसके साथ साथ ना एक और चीज़ दिमाग में चलने लग जाती है कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना, मैंने ये करना है, मैं ना अपने दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पे मारूंगा टेरेस पे बैठ के। हमारे साथ तो ये होता था, हम छत होते थे, इंटरनेट वगैरह तो होते नहीं थे, तो छत पे बैठ के गप्पे मारते थे दोस्तों के साथ, बाइक पे निकल जाएंगे घूमने कहीं भी दूर तक, गॉसिप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के भी दिमाग में यही सब चल रहा होगा कि एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा तो वैकेशन में हमने ये करना है। हम अभी आप लोगों के टाइम में तो पबजी चल रहा है यार, पबजी खेलेंगे या तो क्रिकेट खेल लेंगे नीचे जा कर के, गप्पे मारेंगे, या पूरे साल अपने दिल की बात जिससे नहीं गए थे उसके घर पर जा करके, घर के नीचे उसे बुला करके उसे, ठीक है, वो भी बोल देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, बट ये सब एग्ज़ाम की बात की जो मस्ती है ना बच्चा पार्टी, अब ये आपके हाथ में है कि जो एग्ज़ाम के बाद की जो मस्ती है आप इसे अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं या इसे आप अपनी कमजोरी भी बना सकते हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा, और मैं तो आपको ऐसी सलाह दूंगा कि जिससे आपकी एग्ज़ाम के बाद की जो मस्ती है ना, ये स्ट्रेंथ बन जाएगी। चलिए, इसे स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम एक काम करते हैं। उस काम को भी करने से पहले मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक देता हूँ, उस लॉजिक को जरा सोचिए और उसे एहसास करिए, उसे महसूस करिए। जब आप उसे महसूस कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ बाबा SSP तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बच्चा लोग जरा आप सोचो कि जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और जब आप अपने इन एक्टिविटीज़ को, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी मस्ती हो, जब आप उसे करेंगे, आपकी एग्ज़ाम अगर अच्छी गई है और जब आप उस मस्ती को जी रहे हो, तो उसका एक अलग एहसास होगा, उसकी एक अलग खुशी होगी, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है ना, महसूस करना है इस बात को। लेकिन अगर सोचिए कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, मन में अभी भी शंका है, आपको डर लगा हुआ है कि यार हमारा तो पेपर अच्छा गया ही नहीं था, पास होऊंगा फेल होऊंगा, मैंने ये क्वेश्चन गलत करा था, काश पढ़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो आप चाह करके भी ना एग्ज़ाम के बाद में उस पल को जी नहीं पाएंगे। सो आपके हाथ में है, आपको पूरा का पूरा अपना जो ध्यान है ना बच्चा पार्टी, वो केंद्रित करना है अभी बस पढ़ाई पर, पूरा फोकस करना है अपनी स्टडी पर। पूरे साल आप लोगों ने जो मेहनत की है, बस ये वक्त आ चुका है कि आप जी जान लगा दीजिए। अब एक काम करें आप, जो मैं आपको बोलूँगा आपको बहुत हेल्प भी करेगा, आप किसी पेज पे अपनी सारी एक्टिविटी को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। Activity 1, मस्ती, चाहे जो भी हो, कि मुझे ये काम करना है एग्जामिनेशन के बाद, मुझे इस वैकेशन में यहाँ जाना था, मुझे इसको बोलना था अपने दिल की बात, मुझे दोस्त के साथ ये करना है, मस्ती करनी है, मुझे कैरम खेलना है, मुझे पबजी खेलना है, मुझे बाइक पे निकल जाना है, बहुत जलसे करने हैं, वो सारी चीज़ों को आप प्रायोरिटी वाइज लिख दीजिए। और जैसे ही आपकी सारी मस्ती ख़त्म हो जाए, 10, 15, 20, 25 जो भी है ना, कुछ लोगों के तो बहुत सारे होंगे, इन्फिनिट भी होंगे, राइट, सो उसके ठीक नीचे लिखिए अबे वो मस्ती, जहाँ पर आपने एक्टिविटी लिखी है ना उसके ठीक नीचे लिखी अबे वो मस्ती। अपने आप को तो समझता क्या है, मेरा वक्त आएगा, ठीक है, और जब मेरा वक्त आएगा ना तब मैं तुझे भौकाल के साथ तुझे फील करूँगा, अभी तो मुझ पर हावी मत हो, क्योंकि मैं SSPN हूँ और मैं तो एग्ज़ाम में आग लगाने के बाद ही तुझसे मिलूँगा। इस एटीट्यूड के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आप वहाँ नीचे लिख दीजिए कि मुझे PCMB जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं, मैं चाहे कुछ भी करूँगा अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने इतना मार्क्स स्कोर करना है, उसे लिख दीजिए। बस उस पेज को किसी डायरी के अंदर कहीं पर रख करके अपने स्टडी रूम में कहीं पे साइड पे रख दो, एंड सी बाय गॉड, उसे नो कर दीजिए, अब उसे दोबारा आपको सोचना नहीं है। अब पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा पार्टी, आप अपने सिर्फ पढ़ाई पर देंगे। अब सोचिए कि अगर आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी चली जाए उसके बाद, जब आप उस मस्ती को जियेंगे ना, तो एक अलग लेवल की खुशी होगी भाई, है ना। सो पूरा ध्यान आप लगाइए अपनी पढ़ाई पर, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऐसे हज़ारों वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगे। मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हर बार बताई है कि आपको 3 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ने हैं, फिर मैथ्स करना है, उनकी टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ बताया। आप स्क्रीन पर कहीं पर भी आप क्लिक करो, आपको दिख जाएगा, है ना। अब 24, ये वीडियो तो आज 21 को आएगी, आपको मिली रही है, 24 को आपका PE का एग्ज़ाम है, एंड उसके बाद फिर शायद इंग्लिश है, और उसके बाद फिज़िक्स में 2 दिन का गैप है। उस 2 दिन के अंदर हम पूरे फिज़िक्स को
किस तरह से करें बच्चा पार्टी, वो सब कुछ मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। खैर अभी आपकी जब 24 को एग्ज़ाम है और अभी आपके पास समय है, तो इस समय को आप अच्छे से सही डायरेक्शन में लेकर के जाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने एडवांस चाणक्य नीति कोर्स डिज़ाइन करा है, जिसके अंदर शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चा लोग, लास्ट मिनट रिवीजन। अब आप पूरा फोकस अगर इस पर करते हो, इसके अंदर के सैम्पल पेपर को करते हो और इसके अंदर की जो MCQ सीरीज़ मैंने डाली है उसको अगर आप करते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा अच्छे मार्क्स देने से। आप बड़े आसानी से ईजिली 60+ मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सो बच्चा पार्टी, आप अपनी फिजिक्स की तैयारी को इस एडवांस चाणक्य नीति कोर्स के साथ करिए और देखिए कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे इस तरह से हमने डिज़ाइन की है। सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जिन बच्चों के मन में फेयर है कि सर उन्होंने तो पूरे साल हमने पढ़ा ही नहीं था सर, क्या हम भी इसे करके पास होना जितना कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर YouTube के ही चाणक्य नीति सीरीज़ को देख बाद में बच्चा लोग सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो भी आपके लिए इनफ है। 23 मार्क्स लाने के लिए तो आपको 5 से 6 चैप्टर ही पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है। वो 5 से 6 चैप्टर पता है कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, EMI AC और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डिस्क्रिप्शन में आप जाए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, उसे डाउनलोड करके उसे कर लीजिए। और इस एडवांस चाणक्य नीति कोर्स को परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चा पार्टी, और आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। और वो जो चीज़ मैंने आपको बोली है पेज में लिख करके करने की, उसे आप जरूर करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो आई होप बच्चा पार्टी कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और अपनी एग्जाम में भौकाल मचाएंगे। पी के एग्जाम में आग लगा दीजिए, इसी तरह से फिजिक्स में डबल वाला आग लगाइए। मैं इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और भोलेनाथ से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, महाकाल से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप सब बहुत बहुत जीवन में आगे बढ़ें। एग्ज़ाम क्या है, आपकी लाइफ में आप बहुत सारा सक्सेस और सफलता पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।